Hey guys, welcome to another great day. Again, in the comments section, I've read that you wanted me to make a Van de Graaff or electrostatic generator. Well, here it is. एक छोटी प्लास्टिक बोतल को लीजिए और उसके निचले हिस्से को काट दीजिए। बोतल के निचले हिस्से में और गले में दो छेद कीजिए, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट, मोटर की एक्सल को गर्म करके। रिफिल को बोतल के मुंह के साइज के हिसाब से काट दीजिए। दो पेपर पिन को लीजिए और आधे हिस्से से 90 डिग्रीज में मोड़ दीजिए। अब रिफिल को अंदर डालिए और पिन्स को ऊपर के दो होल से पास करने के बाद रिफिल के अंदर डालें। एक और रिफिल ट्यूब को लें और बॉटल के निचले हिस्से से थोड़ा बड़ा साइज में काटें, फिर रबर बैंड्स को उसके ऊपर लपेट दें। अब रिफिल को नीचे के दोनों होल्स से पास कर दें। और मोटर के एक्सल को रिफिल के अंदर डाल दें। दोनों रिफिल्स के ऊपर से टेप को निकाल दें ताकि वो एक सप्लाई बेल्ट की तरह बन जाए, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज होना चाहिए। ध्यान रखिए कि जो टेप अंदर लूप हो रही है उसका स्टिकी साइड बाहर की तरफ हो। दो वायर्स को लें, नीचे के तीन होल से अंदर डालें ताकि आधा पार्ट अंदर के बेल्ट को छुए और आधा पार्ट बाहर रहे। दो वायर्स को फिर से लें और बॉटल के मुंह से अंदर डालें ताकि आधा पार्ट बेल्ट को छुए और आधा पार्ट बाहर रहे। नीचे के वायर्स को कनेक्टर से कनेक्ट कर दें और फिर दोनों को मोटर से भी कनेक्ट कर दें। कनेक्टर के दूसरे वायर को स्विच से कनेक्ट कर दें और स्विच के दूसरे एंड को मोटर्स के दूसरे टर्मिनल से। एक कार्डबोर्ड को लें और बीच में बोतल के साइज का होल कर दें ताकि पूरा यूनिट अंदर फिट आ जाए। अब पूरे यूनिट को अंदर रख दें और सब पार्ट्स को ग्लू गन से चिपका दें। एक सोडा कैन को लें और नीचे के बॉटम पार्ट को काट लें।
अब बॉटल के ऊपर उसे लगा दें और स्विच को ऑन कर दें। एक पेपर स्ट्रिप को कैन के ऊपर चिपका दें और उसे बॉडी से दूर जाते हुए देखें। आपका वैंडरग्राफ जनरेटर तैयार है। There are two types of Van de Graaff generators. This one uses the triboelectric effect, in which certain materials become charged by contact with other materials, like when you rub a balloon with your hair. During operation, a motor and roller at the bottom of the generator drive a rubber belt around a glass roller at the top, which creates a negative charge on the belt. A metal brush transfers this charge to a soda can, which is able to store a large amount of charge because it is both hollow and a conductor. The belt, meanwhile, becomes depleted of free electrons and needs to be replenished. And so, a second brush at the bottom pulls in charge from whatever it's connected to. It's time for some fun facts! The American physicist Robert Jemison Van de Graaff invented the Van de Graaff generator in 1931. The device that bears his name has the ability to produce extremely high voltages, as high as 20 million volts. Wow! A fully charged car battery will produce about 12.75 volts. If you turn on your headlights and then check on your battery voltage, you will see that it remains relatively unchanged. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड लाइक, बिकॉज इट मींस अ लॉट। टिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी बिल्डिंग।